धोनी इज द नाइसेस्ट एंड स्वीटेस्ट स्मॉल टाउन गाय, ऐसा कोट किया था जॉन इब्राहिम ने कुछ वक्त पहले। और लगता है जॉन और एमएस धोनी का ये दोस्ताना फाइनली जॉन के लिए साबित हो रहा है फ्रूटफुल। बस है कि धोनी जिस स्पोर्ट्स ब्रांड को एंडोर्स करते हैं उसे साइमल्टेनियसली एंडोर्स करने के लिए धोनी ने रेकमेंड किया है जॉन का नाम और दिलवाया उन्हें ये ब्रांड। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, सिंस जॉन एंड धोनी आर थिक फ्रेंड्स, इतना करना तो बनता ही है। वेल, वील टेल यू द ट्विस्ट इन द स्टोरी। और वो ये है कि पहले इस ब्रांड को धोनी के साथ एंडोर्स करती थी जॉन की एक्स लव एंड गर्लफ्रेंड बिपाशा बासु, जिन्हें अब रिप्लेस किया जॉन ने विद धोनीज हेल्प। यानी कि अब भी ऐसा तो नहीं कि कहीं ना कहीं धोनी के मन में बिप्स के लिए है कुछ बिटर थॉट्स, क्योंकि जब बिपाशा और जॉन का ब्रेकअप हुआ तब धोनी और बिपाशा के बीच हो गई थी काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स। इट वाज रिपोर्टेड दैट आफ्टर द स्प्लिट धोनी बेयरली केप्ट इन टच विद बिपाशा एंड वाज सीन हैंगिंग आउट विद जॉन इंस्टेड, क्लियरली इंडिकेटिंग दैट बिटवीन द टू ही वांट्स टू कीप जॉन्स कंपनी। और एक बार फिर इतने सालों बाद धोनी ने अपनी लॉयल्टी दिखाई है जॉन की ही तरफ by getting him the brand that once Bibasha endorsed with him. Well, poor Bibs, हाल ही में उनकी फिल्मों ने भी कुछ खास कमाल नहीं दिखाया और अब तो ब्रांड भी उनके हाथ से निकल गया। वैसे कुछ ही वक्त पहले कॉन्ट्रोवर्सीज की वजह से धोनी ने क्लोदिंग ब्रांड सैफ अली खान के हाथों खो दिया। We hope धोनी आप poor Bibs से identify कर सकते हैं और next time एक दोस्त की मदद के चक्कर में अपने पुराने दोस्तों का भी ख्याल रखें। And John, you should also give poor Bibs some respite. Take Ranveer and Deepika, for example, who are cordially working with each other and sharing screen space. And I find it strange that people have made us sort of the role models of ex-lovers turned friends. I find that really strange because... But in a way, it's also good. So all you ex-lovers... Work together, man. It's not that bad. We turned out pretty okay. So, if you think that actors who are ex-lovers should work together, then share your views on Twitter at Zoom TV with hashtag BeTonight. Bureau Report, Zoom, Mumbai.